हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दिस इज़ द ऑल न्यू टाटा कर्व, जो कि आज हमारे पास है क्रिएटिव एस मॉडल, जो कि पेट्रोल वर्जन इसका रहने वाला है। आज हम जानेंगे इस कार के सारे फीचर्स के बारे में, कि इस कार में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं और ये आपको वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है या नेक्सॉन से बेटर रहने वाली है, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि हम आपके लिए ऐसे और प्यारे से रिव्यू ला सकें। एंड स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा मैं मुदगल मोटर्स अजमेर को, जिन्होंने हमें कार प्रोवाइड करवाई है रिव्यू के लिए। तो चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन इस कार की प्राइसिंग के बारे में बात कर ले, तो ये आपको मिलने वाली ऑन रोड रुपीस में बता रहा हूँ अजमेर की, ये आपको मिलने वाली 14.5 लाख रुपए, वो भी आपको ऑन रोड में मिल जाएगी, जो कि एक वैल्यू फॉर मनी रहेगी, बिल्कुल रहेगी, वो जानेंगे आगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके फ्रंट के बारे में। तो फ्रंट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्यारा सा टाटा का 2D लोगो मिल जाता है विद क्रोम फिनिश के साथ। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक कलर की ग्रिल मिल जाती है विद हल्के हल्के, आप जो देख पा रहे हो ना, यहाँ पे आपको ये जो चीज़ देख रहे हैं क्रोम के, जो आपको टच दे दिया गया है यहाँ पे, नीचे आपको पियानो ब्लैक कलर की फिनिश के साथ आपको बम्पर मिल जाता है। और यहाँ पे आप अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर आपको जो रेडिएटर है वो आपको विजिबल रहने वाला है, अंदर आपको हॉर्न की प्लेसमेंट हो जाएगी, इसके अंदर आपको कोई भी एडास नहीं मिलने वाला है। बाकी ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो आपको एक टॉप मॉडल वाली इसके अंदर आपको फीलिंग देंगे। यहाँ पर आपको जो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलने वाला है, नीचे आपको एक जो लॉबी में वो भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको लॉबी मोर हैवीम का ऑप्शन मिलने वाला है। चाहो तो आप आफ्टर मार्केट या फिर शोरूम से आप इसके अंदर आप ऐड करवा सकते हो। तो फ्रंट का लुक कुछ इस तरीके का रहने वाला है। ये जो कलर हमारे पास है डेटोना ग्रे कलर आपको मिल जाएगा। इस साइड में अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरवे जो एरोडायनेमिक्स है, आपको यहाँ पे कुछ वेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रंट का प्रोफाइल कुछ इस तरीके का रहने वाला है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका फ्रंट का प्रोफाइल कैसा रहने वाला है। यहाँ पे आपको जो DRLs है इसके अंदर टू इन वन का काम करेगी, इसके अंदर आपको इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं और इसी के अंदर आपको DRLs मिलने वाले हैं। कनेक्टेड DRL आपको इसमें नहीं मिलेगा, ओनली स्प्लिट वाले DRL आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, सेम एज ए नेक्सॉन जैसे। तो फ्रंट का प्रोफाइल ऐसा है, बोनट की आप डिज़ाइनिंग देख सकते हैं। यहाँ पे आपको हल्का सा कर्व दिखेगा दोनों तरफ, मतलब काफ़ी अच्छा खासा इसका मस्कुलर सा डिज़ाइन दे दिया गया है। अब बात करते हैं इसके यहाँ पे वाइपर के बारे में। तो यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग, आपको यहाँ पे वाइपर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपके वॉशर्स हो जाएंगे, दो आपको वॉशर्स मिलने वाले हैं। कैमरा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्रिएटिव एस मॉडल है, इसके अंदर आपको 360 व्यू कैमरा नहीं मिलने वाला है। तो इस साइड में अगर बात करते हैं, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक कलर की फिनिश के साथ आपको यहाँ पे क्लैडिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको 17 इंच के अलॉय व्हील मिलने वाले डायमंड कट के। टॉप मॉडल में जाओगे तो आपको यहाँ पे 18 इंच के मिलेंगे, लगभग आपको यहाँ पे सिमिलर ही मिलने वाले हैं, बस 1 इंच का फ़र्क रहने वाला है। यहाँ पे आपको यहाँ पे ब्रिजस्टोन के टायर मिल जाएंगे, जिनका साइज़ रहने वाला है 215/60 R17 के। आपको यहाँ पे अलॉय व्हील मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया डायमंड कट में। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाला है। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रबर कोटिंग करके दे दी जाती है कंपनी तरफ से। कर्व का इतना प्यारा सा आपको यहाँ पे लोगो मिल जाता है, मतलब जो ब्रेजिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, क्लैडिंग मिल जाती है पियानो ब्लैक कलर के फिनिश के साथ। यहाँ पे आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं विद वेलकम लाइट के साथ। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, ऑटो फोल्ड ORVM आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं विद टर्न इंडिकेटर्स ब्लैक कलर, पियानो ब्लैक कलर के फिनिश के साथ आपको ORVM मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिश आपको देखने को मिल जाती है। पीछे चले तो पीछे भी आपको यहाँ पे फ्लश डोर हैंडल्स मिलने वाले हैं विद वेलकम लाइट के साथ। यहाँ पे आपकी क्लैडिंग जस्ट पीछे, वही आपको यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलने वाला है रियर के अंदर, और जो टॉप मॉडल में जाओगे वहाँ पे आपको दोनों डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये इसका कुछ साइड प्रोफाइल रहने वाला है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि साइड का प्रोफाइल कैसा है। पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे आप देख सकते हैं जो इसका टेल है, यहाँ पे आपको टाटा की लोगो जो ब्रांडिंग है वो मिल जाएगी, लोगो मिल जाएगा, कर्व की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। इसके अंदर आपको जेस्चर कंट्रोल आपको नहीं मिलता है, कनेक्टेड टेल लैंप आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है, स्प्लिट टेल लैंप ही आपको यहाँ पे मिलेगी। तो अपन इसका एक बार मैं आपको बूट ओपन करके बताता हूँ, उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पीछे का जो मिरर है वो आपको यहाँ पे डिफोकर के साथ आपको मिल जाता है। रेन सेंसिंग आपको यहाँ पे पीछे की तरफ वाइपर नहीं मिलने वाले हैं, और यहाँ पे आपको सार्फिन एंटीना मिल जाता है। अब ओपन करते हैं इसका बूट, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे नीचे की तरफ मैग्नेटिक सेंसर दिया गया है, तो ऑटोमेटिक ये ऑन होगा नहीं, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको 500 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा सा बूट स्पेस है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आप जो इसको 60-40 स्प्लिट नहीं कर सकते सीट को, ओनली इसको पूरा का पूरा ये जो सीट है फोल्ड हो जाएगी, मतलब एक बेंच के जैसे ये पूरी फोल्ड हो जाएगी, लग आप इसको बेड की तरह यूज़ भी कर सकते हो। यहाँ पे एक हिडन स्पेस दिया गया है इस जगह, और इस जगह भी आपको एक हिडन स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे आपके हुक्स हो जाएंगे, इसके अंदर आपको लाइट्स नहीं मिलती है, वो आपको टॉप मॉडल में ही मिलेगी। तो ये कुछ है, इसके स्पेयर व्हील आपको मैं दिखा देता हूँ। स्पेयर व्हील का साइज़ इसके अंदर आपको रहने वाला 215/65 और 16 इंच का इसके अंदर आपको स्पेयर व्हील मिलने वाला है।
तो स्पेयर व्हील ऑलमोस्ट मतलब 1 इंच छोटा रहने वाला है। तो अब इसके बूट को अपन बंद करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगी और नंबर प्लेट के लिए आपको यहाँ पे LED में लाइट्स मिल जाएगी। बूट को बंद करने के लिए यहाँ पे आपको एक स्पेस दिया गया है, मतलब बूट बहुत भारी है यार। तो अब भाई अपन ने बूट बंद किया, बूट बंद करते हैं ना तो भी इसके अंदर आपको पीछे की तरफ लाइट जल जाती है। तो ये इसका बूट स्पेस रहने वाला है। पीछे आपको 2 पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ये जैसा कि आप देख सकते हैं 4 पार्किंग सेंसर्स अभी भी इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे, 2 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। यहाँ पे आपके नंबर प्लेट की प्लेसिंग हो जाएगी। यहाँ पे आपके रिफ्लेक्टर रहने वाले हैं, इधर ही आपको टेल लाइट आपको यहाँ पे LED में और टर्न सिग्नल्स भी आपको यहाँ पे LED में मिलने वाले हैं। ये आपका फ्यूल टैंक हो जाएगा जिसकी कैपेसिटी रहने वाली है यहाँ पे आपको 44 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, एक बार मैं आपको पीछे का लुक भी आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो ये कुछ इसका पीछे की तरफ से लुक निकल के आता है। आपको ये कलर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएगा। तो इंटीरियर में एंटर करने से पहले मैं आपको इसका की फॉब दिखा देता हूँ। तो कोई इसका कुछ ऐसे इस तरह की रहने वाली है, टाटा की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, एकदम ऑल न्यू की का सेटअप मिलने वाला है। यहाँ पे आपका लॉक अनलॉक का बटन हो जाएगा, बूट स्पेस आपको यहीं से ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपका फॉलो मी वाला बटन आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ इसका की फॉब रहने वाला है, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, बहुत अच्छी से रखी गई है। तो जैसा कि प्रीमियम कार है तो प्रीमियम की आपको प्रोवाइड की जाती है। इसको अगर अपन ओपन करना होगा ना तो पहले इसको यहाँ से ऐसे ओपन करना होगा, फिर इसको ऐसे ओपन करना होगा। एक बार मैं इसका अनलॉक कर देता हूँ। तो ये अनलॉक हो चुका है, तो इसको मैं ओपन किया। गेट आपको यहाँ पे 90 डिग्री ओपन नहीं मिलेगा। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको मतलब ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे आपको फैब्रिक फिनिश दी गई है, लेकिन ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाएगा। ड्यून टोन के अंदर आपको ये डोर मिल जाता है, यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलने वाला है। डोर ओपनर आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की फिनिश के साथ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक कलर की फिनिश दी गई है। यहाँ पे आपके अम्ब्रेला होल्डर हो जाएगा और इस जगह आपको कुछ डोर पॉकेट्स दिए गए, मतलब आपके बॉटल तो नहीं रख सकते, बॉटल रखने के लिए इस साइड में जगह दी गई है। यहाँ पे आपके स्पीकर्स हो जाएंगे, 4 स्पीकर्स के अंदर आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, 2 ट्विटर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिरर को सेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली बटन दिया गया है। तो अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। सबसे पहले आपको सीट के बारे में बता दूँ, यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे आपको सीट को रिक्लाइन करने का ऑप्शन मिल जाता है। फैब्रिक सीट दी गई है ग्रे कलर के अंदर। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका एक जो सीट कॉम्बिनेशन है कैसा लगा। और हाँ, इसका जो सीट का जो मतलब कुशनिंग है वो अच्छी खासी रहने वाली है, जो इसके अंदर आपको मतलब बैठने पे थकान महसूस नहीं होगी। यहाँ पे आपको एक स्पेस दिया गया है कुछ हल्का सा आपकी चाबी वाबी रखने का। इस जगह अगर आप वो टॉप मॉडल लेते हो तो यहाँ पे आपको मतलब चाबी सॉरी इससे जो नीचे वाला मॉडल हो गए तो यहाँ पे आपको चाबी का स्पेस दे दिया जाएगा। ये आपके AC के वेंट्स हो गए। यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलने वाला है, जैसा कि आप देख रखने हैं कि आपको ऐसा फील होगा जैसे यहाँ पे फैब्रिक यूज़ किया गया, लेकिन ये फैब्रिक नहीं है। तो अब चलते हैं इसके इंटीरियर में, आपको चेकआउट कराते हैं इसका डैशबोर्ड। एक बार मैं सीट इसको पीछे ले लेता हूँ। तो आप चेक करिए एक बार, मैं इसको ऑन करता हूँ। तो स्टार्टिंग कुछ इस तरह की रहने वाली, टाटा मोटर्स का वेलकम आपको यहाँ पे लिखा हुआ आता है। इस जगह आपको देख सकते हैं 10 इंचेस की टच स्क्रीन मिल जाती है, बहुत प्यारी इसकी क्वालिटी रहने वाली है। एक सेकेंड में ब्लॉवर कम कर देता हूँ। तो ये इसका टच स्क्रीन रहने वाला है, इंफोटेनमेंट सिस्टम रहने वाला है 10 इंचेस का, जो कि बहुत इन्फॉर्मेशन के साथ आता है। काफ़ी कुछ इसके अंदर आप यहाँ से इससे ही आप अपने ऑपरेट कर सकते हो। वेंटिलेटेड सीट इसके अंदर आपको नहीं मिलती है, ऐसे ही कंट्रोल आप यहाँ कर सकते हो। काफ़ी और भी जैसे म्यूज़िक सिस्टम भी इसका बहुत अच्छा रहने वाला है, और इसका जो टच रिस्पॉन्स है ना बहुत अच्छा है, मतलब कहीं से भी आपको लैगी फील नहीं करवाएगा। एंड यहाँ पे आप इसको वीडियो शेयरिंग भी कर सकते हो अपने मोबाइल से कनेक्ट करवा के, तो ये बहुत अच्छा फीचर है। यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसके अंदर आपको पीछे जो बीच में है हल्की सी छोटी सी स्क्रीन आपको यहाँ पे LCD में मिल जाती है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, जैसे कि आपको आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं, देखो इसके अंदर आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी और ओडोमीटर आपको यहाँ पे मिल जाता है। एवरेज आपको बताया जाता है क्या एवरेज आपकी गाड़ी दे रही है, और यहाँ पे रिफ्यूल का ऑप्शन बताया जाता है, जैसे काफ़ी सारे फीचर्स बताया जाता है। IFE यहाँ पे आपको बताया जाता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शायद इसके अंदर है, और जो आपको जो डोर ओपनिंग वार्निंग है वो भी आपको यहाँ पर बताया जाता है। ये आपकी बैटरी वार्निंग हो जाएगी, इंजन वार्निंग हो जाएगी, ऑयल वार्निंग हो जाएगी। यहाँ पर आपका जो RPM मीटर देख पा रहे हैं वो भी आपको डिजिटल में मिल जाता है। काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पर इसके अंदर आपको इसके
मीटर कंसोल में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका रेन सेंसिंग वाइपर हो जाएगा जो कि ऑटोमेटिकली रहने वाला है। इधर आपके यहाँ पे हेडलैम्प का, हाई बीम लो बीम का और आपके उसका कंट्रोल रहने वाला है। और यहाँ पे आपका देख सकते हैं ना, इस जगह आपके वेंट्स हो जाएंगे एसी के। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक कलर की फिनिश के साथ आपको मिल जाएगा। हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, कहीं पे भी आपको वो सॉफ्ट मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मैन्युअली सेट करना पड़ेगा, IRVM जो है इसका मैन्युअली सेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिकली आपको नहीं मिलता है। इसके अंदर आपको सनरूफ का ऑप्शन मिल जाता है बिल्कुल, बिकॉज क्रिएटिव एस जो ऑप्शन है उसके अंदर आपको सनरूफ का ऑप्शन मिल जाता है। जैसा कि आपको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, वन टच में इसका जो शेड है ना वो हट जाएगा, और एक टच और करोगे तो ये ज़्यादा पूरा तो नहीं खुलेगा बट हाँ आपको पैनोरामिक जैसा फील करवा देगा। तो ये कुछ इसका सनरूफ है। तो अपन इसको अभी सनरूफ को बंद करते हैं, थोड़ा खुला रहने दो यार क्योंकि थोड़ी लाइटिंग आती रहेगी। अगर पैसेंजर साइड के बारे में, डोर के बारे में बात करें तो वही आपको सेम चीज़ मिल जाती है। डोर लॉक अनलॉक का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है, डोर ओपनर आपको मिल जाता है, ट्विटर आपको मिल जाते हैं, बोतल होल्डर प्लस अम्ब्रेला होल्डर आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक कलर की फिनिश और ये जो आपके देख सकते हो ना, यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। तो कैसा लगा आपको डैशबोर्ड आप मुझे कमेंट करके बताएगा। काफ़ी अच्छा है, इल्यूमिनेट आपको यहाँ पे जो स्टेयरिंग व्हील है, फोर स्पोक स्टेयरिंग व्हील आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। क्रूज़ कंट्रोल इसके अंदर आपको मिल जाता है। आपके जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के इसमें जो बटन्स है आपको स्टेयरिंग में मिल जाते हैं। लेदर रैप के आपको यहाँ पे स्टेयरिंग मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रीमियम फील करवाती है इसके इंटीरियर को। यहाँ पे आपके टच पैनल हो जाएगा जो कि आपके एसी कंट्रोल हो जाएंगे, एसी जो मतलब हाइजार्ट का जो है वो भी आपको यहाँ पे टच पैनल मिल जाएगा। आपका बूट ओपन करना है तो वो भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, गाड़ी को लॉक कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ स्पेस दिया गया है, इस जगह आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको USB A और USB C का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। 6 स्पीड का मैनुअली गियरबॉक्स आपको यहाँ पे मिलता है, पेट्रोल इंजन रहने वाला है। अभी बात करेंगे इसके इंजन के बारे में, तो ये यहाँ पे आपको 3 मोड मिल जाते हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट मोड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इधर आपको यहाँ पे ड्राइव मोड एक्टिवेटेड और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको हल्का सा यहाँ पे जो बोतल होल्डर है या कप होल्डर है इसके अंदर आपको दे दिए गए। टॉप मॉडल के अंदर है ना, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का सिस्टम मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है, वो आपको फैब्रिक के अंदर मिलने वाला है। इस जगह आपके सीट बेल्ट हो जाएगा, सीट बेल्ट की आपको वार्निंग्स इसके अंदर आपको मिल जाती है। ये आपका जो हैंड ब्रेक है वो आपको मिलने वाला है। टॉप मॉडल के अंदर आपको यहाँ पे ऑटो होल्ड प्लस पावर ब्रेक जो हैंड ब्रेक है वो आपको इलेक्ट्रिकली मिल जाता है। तो ये कुछ इसके डैशबोर्ड है, ये कुछ फीचर्स रहने वाले। आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि इसके आपको फीचर्स कैसे लगे। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाता है और यहाँ पे आपका विनिटी मिरर हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो हैंडल्स है पैसेंजर के लिए वो आपको मिल जाता है पकड़ने के लिए। तो ये इसका फ्रंट का डैशबोर्ड रहने वाला है। अब चलते हैं इसके रियर में और वहाँ से आपको चेकआउट कराते हैं। तो अब चलते हैं पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ सबसे पहले अपन डोर के बारे में बात कर ले, वही सेम मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाता है। इधर आपको यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है, आपके यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर के फिनिश के साथ आपको डोर हैंडल मिल जाता है। इधर आपको यहाँ पे डोर पॉकेट्स होने वाले हैं। तो ये कुछ फीचर्स रहने वाले हैं और ये इसके अंदर आप देख सकते हो सीट है पूरी कम्प्लीटली आपको ग्रे कलर की फैब्रिक के साथ आपको यहाँ पे मिल जाती है। 60-40 स्प्लिट सीट आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है, बीच में आपको आर्मरेस्ट भी नहीं मिलेगा। और ये जो आप देख सकते हैं ना, इसका जो सीटिंग कंफर्ट है ना बहुत अच्छा खासा रहने वाला है। एक बार मैं आगे जो सीट है उसको थोड़ा आगे करके बता देता हूँ, मेरे हाइट के अकॉर्डिंग इसको सेट करके आपको फिर मैं बता देता हूँ। तो अभी मैंने है ना सीट अपने हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर ली है और बाकी आप इसके अंदर जब बैठोगे ना बहुत कंफर्टेबल फील करोगे, बिकॉज अंदर थाई जो सपोर्ट है ना बहुत अच्छा खासा इसके अंदर आपको मिलने वाला है। और कितना रिलैक्सिंग पोजीशन में अभी मैं बैठा हूँ, इतना अच्छा खासा गैप मिल जाता है इसके अंदर। प्लस मेरा जो हेडरूम एरिया है वो भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। मेरी हाइट 5.6 है तो आप देख लीजिए कि कितना अच्छा खासा इसके अंदर आपको हेडरूम एरिया मिलने वाला है। बिकॉज़ ये कूपे SUV कार है तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है, अगर ज़्यादा हाइट के जो बंदे होंगे ना उसके अंदर थोड़ा सा दिक्कत आपको देने वाला है। यहाँ पे आपको 2 एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं रियर की तरफ, रियर पैसेंजर के लिए। बीच में आपको जो हेडरेस्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। सीट कुशनिंग बहुत नो डाउट बहुत अच्छी रहने वाली है। आइसोफिक्स माउंट्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। ये कुछ इसका इंटीरियर रहने वाला है। पीछे से डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरीके का निकल के आने वाला है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका डैश कैसा लगा और इसकी पैनोरामिक सनरूफ देखिए कितनी प्यारी इसके अंदर लग रही है, काफ़ी प्रीमियम फील करवाते हैं। और ये जो यहाँ पे आप जो लाइट्स देख पा रहे हैं रिंग लाइट्स, वो आपको LED मिल जाते हैं इस साइड भी और इस साइड में। इसके अंदर आपको 6 एयरबैग का ऑप्शन मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं एयरबैग आपको बैजिंग आपको चारों तरफ मिलने वाली है, जो सेफ्टी के मामले में बहुत अच्छी सी कार है। सेफ्टी के मामले में टाटा नो डाउट बहुत
अच्छा काम करती है ये, इसको कह मतलब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती यार, आपको पता है टाटा का काम कैसा है। तो ये कुछ इसका इंटीरियर रहने वाला है, यहाँ पे आपको एसी के वेंट्स मिल जाएंगे, पीछे आपको 5.2 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और 5 वोल्ट का आपको सी टाइप चार्जिंग सॉकेट आपको मिलने वाला है। तो ये कुछ इसके अंदर आपको फीचर्स मिलने वाले हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका जो रियर साइड का जो इंटीरियर है वो आपको कैसा लगा और जो फ्रंट के अंदर जो डैशबोर्ड है वो आपको कैसा लगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। ओपन करते हैं इसका हुड। तो ओपन करते हैं इसका हुड, ये लगाना एक सेकंड, ये लगा दें। तो ये कुछ इसका इंजन रहने वाला है, यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का रेविट्रॉन इंजन मिलता है जो कि 3 सिलेंडर इंजन इसका रहने वाला है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 118 bhp की और जो मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है वो 170 mm का इसके अंदर आपको मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करके देता है। यहाँ पे आपको जो सिटी हाईवे जो माइलेज मिलता है वो आपको अप्रोक्स 14 के आसपास मिलता है, जो ऑन रोड हाईवे जो मतलब हाईवे माइलेज मिलने वाला है वो आपको 16 के अप्रोक्स इसके अंदर आपको माइलेज मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बैटरी के सिस्टम में बैटरी हो जाएगी, यहाँ पे आपके वॉशर्स हो जाएंगे, आपके जो वॉशर फ्लूड है वो आपका वॉशर फ्लूड हो जाएगा। इसके अंदर आपको EBD ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS जैसे काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका इंसुलेशन का जो एरिया है काफ़ी बड़ा दिया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसके अंदर आपको इंसुलेशन काम करती है, मतलब इंजन की नॉइस आपके कैबिन तक नहीं आने वाली है। तो ये कुछ इसके इंजन के फीचर्स है। तो अब बात कर लेते हैं ये कार लेनी चाहिए या नेक्सन से बेटर है या नहीं है, वो कर लेते हैं इस वीडियो में। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कार ये नेक्सन से बेटर रहने वाली है या नहीं रहने वाली है। मैं सही बताऊँ तो ये नेक्सॉन से कहीं बेटर कार रहने वाली है, बिकॉज इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस भी ऑलमोस्ट 208 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस है, नेक्सॉन में भी ऑलमोस्ट वैसी ही मिलती है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा और ज़्यादा प्रीमियमनेस मिलती है और ज़्यादा कंफर्ट मिलता है और यहाँ पे स्पेस एरिया भी बहुत अच्छा मिलता है और न्यू लुक के साथ आपको ये गाड़ी मिल जाती है। इसके अंदर आपको सनरूफ भी पैनोरामिक मिल जाती है और जो डोर हैंडल्स है वो भी आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं विद वेलकम लाइट्स के साथ। यहाँ पे आपको अलॉय व्हील का डिज़ाइन अलग मिलने वाला है, 14.5 लाख में आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं, 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है और पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, इतना प्यारा लुक मिल जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप नेक्सॉन की तरफ जाना चाहेंगे या फिर टाटा की कर्व को आप प्रोवाइड करेंगे, रिकमेंड करेंगे। मेरी मानो तो 14.5 लाख का जो इनका बजट है वो आप टाटा की कर्व बिल्कुल डेफिनेटली ले सकते हो। हालांकि इसका मतलब जो एवरेज है वो थोड़ा कम रहने वाला है, लेकिन पावर के मामले में बिल्कुल भी कमी नहीं रहने वाली, मजबूती के मामले में बिल्कुल कमी नहीं रहने वाली और यहाँ पे आपको सेफ्टी रेटिंग भी बहुत अच्छी मिलती है, जो फैमिली के लिए अगर आप जो सेफेस्ट कार देख रहे हैं तो टाटा की कार की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरी तरफ से दिए गए इस कार के बारे में रिव्यू? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखें अपना, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।